क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट के मैदान से अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गई है। तारीख में पहली बार बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराने में कामयाब हो गई है। इसी पर बात करते हैं, यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हार की वजह क्या लगती है आपको? टेस्ट मैच सबसे पहले तो चले हम टॉस से स्टार्ट करते हैं। टॉस का जो एडवांटेज था वो बांग्लादेश ने उसको अवेल किया मॉइस्चर का शुरू में पिच में, और उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जिसका उनको जो रिजल्ट्स है वो मिले। 16/3 आउट हो गए थे हमारे, लेकिन सऊद शकील और रिजवान ने सेंचुरीज की, बहुत अच्छी इनिंग खेली सऊद ने। उसके साथ साइम ने बहुत अच्छा जो है स्टार्ट लिया, 50 किए उन्होंने। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डिक्लेरेशन भी सही थी पाकिस्तान की, पॉजिटिव मूव थी, क्योंकि उसमें यही आइडिया था कि उनको वो आउट करें। लेकिन हमें क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश को देना पड़ेगा। मैच से पहले जो अतर अली खान का जो मैं प्रीव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात की थी कि वी विल सरप्राइज और वी विल मेक हिस्ट्री दिस टाइम, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने अल्फाज में और बड़े प्रिसाइज थे। तो वो चीज उस वक्त मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग दैट, और मैं सोच रहा था कि यार, क्योंकि वो उस बंदे की बड़ी स्ट्रगल है, बड़े अरसे से वो बांग्लादेश टीम के साथ है। रिमेंबर जब 21 साल पहले इसी डेट में मैं टेस्ट मैच खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो वो मैच हम लोग जीते थे और 21 अगस्त को ही शुरू हुआ था 2003 में, और उसमें फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था, जिसमें 2 सेंचुरीज भी मैंने की थी। तो उस वक्त भी टीम का स्पिरिट बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और जो नेक्स्ट टेस्ट मैच था हमारा मुल्तान में, उसमें ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे हमसे, बट इंजी भाई ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, वहां पर 100 किया था उन्होंने और हम लोग वो मैच विनिंग इनिंग खेले थे। उस वक्त भी ये जीत सकते थे। देखिये, क्रिकेट में आप जीतता वो है जो कि उस डे पे अच्छा खेलता है, और क्रिकेट जो है वो उसी को बैक करती है, उसी को फेवर करती है जो 100% अप्लाई करता है अपने आप को और सिचुएशन के मुताबिक खेलता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो हमारी जो मैनेजमेंट है, उसने थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक मिस की है कि उन्होंने जो स्पिनर है, एक स्पिनर नहीं खिलाया, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी एक्सपीरियंस बॉलर है, उन्होंने काफी विकेट्स लिए पाकिस्तान के लिए, वो तो ठीक है। नसीम शाह है, वो ही हैज आल्सो अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड और बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, तेज भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ 2 और यंगस्टर डाले और वो भी फास्ट बॉलर। मतलब ये कि जो हमने प्लानिंग की थी कि फास्ट बॉलर के साथ बाउंसर मारकर यॉर्कर मारकर उनको पकड़ लेंगे, पकड़ नहीं पाए, नाकाम हो गए फास्ट बॉलर आज, हमने देखा पूरे मैच में। देखें, टेस्ट मैच में अगर बैट्समैन ये सोच ले कि मैंने बाउंसर को नहीं खेलना और उसको मैंने छोड़ना है, तो बॉलर कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अगर 3 फील्डर्स भी यहाँ पे लेता है, अगर जिस तरह मुशफिक रहीम को उसकी हाइट भी छोटी है, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल उसको छोड़ देता था, तो वो तो स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से आप छोटी टीमों के अगेंस्ट करते हैं जो बिल्कुल ही जिस तरह बहुत छोटी टीमें होती है। बांग्लादेश का अब एक्सपीरियंस इतना हो गया कि वो भी एक स्ट्रगल करके और उसके वो रिजल्ट्स उनको देखें आज मिला है उनको, दिस बिग डे फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। मैं मतलब मेरी तरफ से मुबारकबाद है बांग्लादेश की टीम को जिन्होंने आज हिस्ट्री क्रिएट की है। ठीक है, चेयरमैन पीसीबी ने भी मुबारकबाद दी है। चलिए, मामला हो गया, कहाँ सर्जरी की कहाँ जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप में हम हार गए, जो सूरत हाल थी आपको पता है अमेरिका में, जिस तरह हमने परफॉर्म किया, अभी उसके बाद एक बड़ी सीरीज, तो क्या कहते हैं इसके ऊपर कि कहाँ सर्जरी की जरूरत है? देखिए, सर्जरी तो अपने अपने हेड्स में ही जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि हर किसी को खुद रियलाइज करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए, और टेस्ट मैच में आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते चीजों को। अब आपके पास अगर एक ऐसा बॉलर है जिसने टेस्ट मैच में 10 आउट किए हुए हैं, तो आप किस तरह उसको, और इसी ग्राउंड पे उसने फर्स्ट क्लास में अपनी टीम को चैंपियन बनाया, सिंध की टीम को 35 आउट किए थे, 36 आउट किए थे उसने 9 मैचेस में काजान ट्रॉफी के। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें देखें, कोई रेलिवेंसी नहीं थी कि उसको ड्रॉप करे, सारी चीजें रेलिवेंट थी कि वो खेलता ये टेस्ट मैच। और बांग्लादेश अगर स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं
तो उस पे वो गलती भी करते हैं। अब ये तो नहीं होता कि अगर आप कोई कोई प्लेयर अगर स्पिनर पे अच्छा खेलता है तो वो स्पिनर से आउट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से थोड़ा सा माइंड सेट का मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो माइंड सेट है वो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं था इस टेस्ट मैच में जाने के लिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब 90 से हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोलती थी, इनको तो हम शेरों की तरह पड़ जाते हैं, लेकिन अब अच्छा खासा टाइम हो गया उनको भी खेलते हुए, खिलाड़ी मेच्योर हो गए हैं, उनकी क्रिकेट जो है बेहतर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अभी गेम बाकी है, आगे मैचेस बाकी हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।